तो फिर यतीमों को दुकानें दी जाएंगी ना एक एक, उनकी इनकम का जरिया अच्छा वाला बनाया जाएगा। अभी ये नहीं कि भिखारी के तौर पे उनको दिया जाएगा, उनकी उनको मैंने क्या जेपीसी की अभी रिपोर्ट नहीं आई, अमित शाह साहब ने कह दिया सीधा कर दूंगा मैं, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा मैं उल्टा लटका दूंगा, क्योंकि बिहार के कैंपेन में तो वो उल्टा लटकाने की बात कर रहे थे। एसजीपीसी एक्ट है, क्रिश्चियंस के जो एंडाउमेंट्स हैं वो सब खतरे में, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा खतरा होगा इसमें। तो ये कानून कोई एक मुसलमानों के लिए थोड़ी बन रहा है, यही कानून रिपीट होगा फिर सबके लिए। SC ST एक्ट तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया ना, तो ये जो बैकलॉग है रिजर्वेशन का वो बिल्कुल खाई गए ना, हजम कर गए, ये बैकलॉग का काम ही करना चाहते हैं। ये SC ST सब प्लान जैसे खाई गए, जिसमें क्षमता है सब शेड्यूल कास्ट परिवारों को, सब शेड्यूल ट्राइब परिवारों को करोड़पति बनाने की, वो सब डकार गए ना, हजम कर गए। बैकलॉग की लाखों लाखों नौकरियां हजम कर गए, वो यही एक्ट है, वो जो 44 प्रपोजल आ रहे हैं, ये वक्फ की सारी ज़मीनें हड़पने का प्लान है, वो हम नहीं होने देंगे, सभी कमज़ोर वर्ग। रिजिजू साहब ने क्या कहा कि हमने बुलाया किसे, हमने बुलाया सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, MP MLAs को। अब वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं पूरे देश में, तो वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराने में सबसे बड़ा हाथ ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो MLAs होते हैं उनका है, क्योंकि वो उसमें मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड में। तो अब चोर को बुला के ये पूछोगे कि चोरी रुकेगी कैसे, तो अपना पराया कुछ नहीं है जो, और वो अपना कैसे हुआ जो अल्लाह की ज़मीन पे, अल्लाह की प्रॉपर्टी पे बेईमानी कर सकता है, चोरी कर सकता है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो चोर हैं सब, वो मुसलमान नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। पॉइंट ये था, वो सारे के सारे ऐसे हैं जिसमें चोरी की जा सके वफ की प्रॉपर्टीज़ की। हालांकि आज भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, आज मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर आप खुद ही वेबसाइट खोल के देख लेंगे किसी भी वक्फ बोर्ड की, जो वामसी की वेबसाइट है वो देखें, उस पर 1000 करोड़ रुपये खर्च करके बनाई गई है, तो आपको नज़र आ जाएगा 75% से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल कब्ज़ा की हुई है। आप किसी भी ऐसी बात में सच्चर कमेटी में सच्चाई नहीं लिखी हुई, मैं बता रहा हूँ, सच्चर कमेटी या जितनी भी आज तक की बातें हुई हैं उसमें सब में वफ की प्रॉपर्टीज़ को कम करके आंका गया, इससे बहुत ज़्यादा वफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों, और वजह पूछी जाती है क्यों ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अपना पेट काट के अपने बच्चों का हक के जगह पे ये प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं दूसरे जो वेलफेयर के कार्यक्रम है उसमें दी गई हैं। तो प्रॉपर्टी का ज़्यादा होना, ये मेरे ख्याल से सरकार को और लोगों को खुश होना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपना खुद का हक छोड़ कर ये अच्छे कामों के लिए दे रहे हैं, तो ये खुशी की बात है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। नहीं, आप भी तो मॉल बनाने की बात कर रहे हैं, आप भी यतीमों की बात नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, नहीं मैंने कहा है ना कि अच्छे मॉल बनाए जाएंगे, अच्छी दुकानें बनाई जाएंगी, वो फिर यतीमों को दुकानें दी जाएंगी ना एक एक, उनकी इनकम का जरिया अच्छा वाला बनाया जाएगा। अभी ये नहीं कि भिखारी के तौर पर उनको दिया जाएगा, उनकी उनको मैंने क्या कहा था शुरू में ही, अगर वक्फ बोर्ड कोई ठीक से काम करेगा तो हर गरीब मुस्लिम परिवार करोड़पति होगा कम से कम, और यही पैमाना है वक्फ बोर्ड के अच्छे काम करने का, उसके अलावा कोई पैमाना नहीं है। इतना प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्ग अपनी परिवार का हक ख़त्म करके हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम उसको ज़ाया नहीं होने दे सकते। कोई भी एक इंच भी ज़मीन, चाहे राजाओं के बादशाहों के टाइम से हो और आज तक आके, कोई भी सरकारी ज़मीन या कॉमन ज़मीन दे ही नहीं सकता, क्योंकि वक्फ में बिल्कुल साफ पाक ज़मीन ही दी जा सकती है, जिसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है वही दी जा सकती है, जो मेरी जाती है मैं वही दे सकता हूँ। ये ऑलरेडी बात है, इसके खिलाफ जो बोलते हैं वो बहकाने की बात करते हैं, ऐसा कोई भी एक भी एग्जांपल दिखाया नहीं जा सकता। ये कहा जा रहा है कि जी ये इतना पुराना गाँव है, ये तो इस्लाम से पुराना गाँव है, लेकिन अगर वो गाँव की ज़मीन में, सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे के बता रहा हूँ, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हर एक केस के ज़रिए तय होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा पुराना गांव है, मैंने अपने पैसे देके वो पूरा गांव ख़रीद लिया, वो इस्लाम से पुराना गांव ही भले क्यों ना हो, क्या वो ख़रीदा नहीं जा सकता? अगर वो मैंने ख़रीद लिया और उसके बाद मैंने वक्फ कर दिया तो उसमें क्या परेशानी है किसी को? मैंने दाम दे के कोई चीज़ ख़रीदी है, अब ज़मीन तो करोड़ों करोड़ों साल पुरानी है ना, सारी है कि नहीं है, तो ख़रीदी तो बाद में भी जाती है ना। अगर आज मैं ये हमारे बैठे हैं यहाँ पे, आप सब लोग बैठे हैं, गजेंद्र भाई की कोई ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है जो इनके परिवार के पास कई हज़ार साल से थी, मैं इनको इनके 1 रुपये की जगह 5 रुपये का दाम दे के ख़रीद लेता हूँ और उसके बाद उसे वक्त कर देता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सरकार वाकई में इसमें सुधार करना चाहती है, मनसा कुछ और है खत्म। मतलब मैं एक सवाल जोड़ रहा हूँ सर, गृह मंत्री ने कहा कि शीत सत्र में इसको लाकर सही करके सीधा कर देंगे,
आप कह रहे होने नहीं देंगे, कैसे रोकेंगे सर? देखिए, रोकने के लिए तो सारे हमारे लोग अपना तरीके से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। गुहार लगाने के लिए अमित शाह साहब से भी मिलने गए, किरण रिजिजू साहब से भी मिलने गए, ये एक तरीका है। मैं चलिए मान लेता हूँ, मैं आज ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। ये एक तरीका है कि जाएंगे जेपीसी को बोलेंगे, जेपीसी एकदम मान जाएगी उनकी बातें और फिर बस खत्म हो जाएगा ये कानून। और या सरकार ये जो मैंने पॉइंट्स लिखाए ऐसे पॉइंट्स को मान के कहेगी चलिए हमारे से गलती हो गई, हम इसको अच्छा कानून बना देते हैं जिससे वक्त मजबूत होगा, जिसमें वक्त में अभी चोरी हो रही है तो डकैती नहीं होने लगेगी। तो ऐसा तो होने जा नहीं रहा है। वो अमित शाह साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि जेपीसी कुछ नहीं है, यही बात तो मैं कह रहा था, कह दिया ना जेपीसी की अभी रिपोर्ट नहीं आई, अमित शाह साहब ने कह दिया सीधा कर दूंगा मैं। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा मैं उल्टा लटका दूंगा, क्योंकि बिहार के कैंपेन में तो वो उल्टा लटकाने की बात कर रहे थे। आपने जो बात कही मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि सरकार की, इस सरकार की, आरएसएस और बीजेपी की सरकार की मंशा ये है पूरे देश की सारी संपदा लेके अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दे दो, ये मंशा है। हमारी मंशा ये है कि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने जो चोरी की है वो वापस लेके जो सही उसके हकदार हैं भारत देश की गरीब जनता उसमें दे दो। जो ये अडानी अंबानी यूसुफ लुलू और हमारे अपने अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग, सरकारी लोग, सरकारें और दूसरे लोगों ने जो वक्फ की ज़मीनें हड़पी हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हड़पी हैं, उनसे वापस लेकर गैरकानूनी तरीके से जो हड़पी हैं उनसे वापस लेकर हम जो इसके यतीम गरीब मुसलमान हैं उनके लिए, और जो दूसरे वेलफेयर के काम हैं, हॉस्पिटल बनाना वो तो सबके काम आएगा, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना वो तो सबके काम आएंगे, वो बनाएं और उसको हम पब्लिक की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। और जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उनके लिए जो वक्फ की गई है हम उनकी रख रखाव के लिए, आज जो ये इल्ज़ाम लगते हैं ना कि सड़क पे नमाज़ पढ़ रहे हो, जब वक्फ की प्रॉपर्टी जो पैसे आएंगे और तो हम कनॉट प्लेस में एक रुपये की जगह दो रुपये की जगह में खरीदेंगे कोई जगह और उस पर मस्जिद बनाएंगे, क्या दिक्कत है किसी को? तो ये सब इन्हीं चीज़ों के लिए है, क्योंकि वक्फ में अगर कोई प्रॉपर्टी देता है तो उसकी मर्ज़ी हमेशा के लिए मानी जानी चाहिए। ये बुनियादी कानून है और ये कॉमन लॉ भी यही है। अगर मैं कोई चीज़ गिफ्ट करता हूँ, चलिए मैं सपोजिंग यही मानता हूँ कि क्रिकेट अकेडमी बनेगी, मेरे पैसे से बन रही है ना क्रिकेट अकेडमी, किसी को क्या मतलब है उसमें टांग अड़ाने में? तो वही बात वक्फ का भी कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ क्रिकेट अकेडमी ही बनेगी, कोई वहाँ पर जुआ खाना नहीं बना पाए। सवाल ये है कि अभी दो दिन पहले मौलाना कलवे जवाहर साहब ने कहा कि जेपीसी सिर्फ एक धोखा है, सरकार की तरफ से एक ड्रामेबाजी है, क्योंकि वो खुद रिटर्न में एक अपने सुझाव लेके गए थे और वो सुझाव उनको नहीं लेने दिया गया, ना ही उनको कोई रिसीविंग दी, जिसकी वजह से वो नाराज़ थे। तो कहते हैं कि जेपीसी सिर्फ एक धोखा है, आपका इस पर क्या जवाब? देखिए, मैंने तो पहले दिन से यही कहा था, बेईमानी है, जाना ही नहीं चाहिए। तो जो भी ईमानदार, जो भी ईमान वाला इंसान है, आज नहीं तो कल मेरी बात मानेगा। मौलाना कलवे जवाहर थोड़े ज़्यादा मजबूत आदमी हैं तो उन्होंने जल्दी मान ली मेरी बात कि जेपीसी धोखा है, फ्रॉड है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि ये 44 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए जिसमें सज़ा, मैंने क्या कहा है कि अभी सज़ा 2 साल की है, उसको 10 साल से लेके उम्र कैद करना चाहिए, ये अच्छा इंप्रूवमेंट होगा या ये होगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं रहेंगे, इसमें अरेस्ट नहीं हो सकता, खूब लूटो, खूब चोरी करो और 2 साल से कम करके सज़ा कम कर दूंगा, फाइन कम कर दूंगा मैं। तो ये है सरकार की मंशा। मैं तो एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एग्जांपल इसलिए हमने सारे, लेकिन मौलाना कलवे जवाहर जो हैं सबसे ज़्यादा मजबूत आदमी हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पहचान लिया। जो जेपीसी में जा रहा है या तो वो बेवकूफ़ बनने जा रहा है या धोखा खाने जा रहा है या वो जान के धोखे में शामिल है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जेपीसी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमने भी तो पब्लिक डोमेन में ये अनाउंस कर दिया, अब जेपीसी देख ले अपने आप, ना देखे तो हम इस सरकार के ऊपर एक बड़ा आंदोलन करके शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और सिख क्रिश्चियन बौद्ध के साथ हम मजबूर करेंगे, जैसे एनआरसी हमने आज तक नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हुआ जो सब लोगों ने मिलकर किया, किसानों ने अपने कानून वापस बुलवाए ना, हम कर ले, सरकार कुछ भी करना चाहती है हम वापस कराएंगे। अगर भारत के संविधान में और देश की जनता में ताकत होगी तो ये बेईमान सरकार कुछ भी करती रहे, अमित शाह जी और अमित मोदी जी मिलकर कुछ भी करते रहे, किरण रिजिजू, हम वापस कराएंगे। अब वापस कराने से पहले एक मरहला ये भी है कि हम इन कानूनों को आने ही ना दें, जैसे हमने NRC रुकवा ली तो, लेकिन वो सिर्फ एक तरीके से होगा, कोई भी किसी भी गलतफहमी में है तो वो गलतफहमी में ना रहे, धोखे में ना आए और धोखा खाए भी नहीं, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा इस सरकार को मजबूर करके
ही ये वक्फ का कानून रोका जा सकता है, वरना सीधा करने की धमकी जो हमारे एक बहुत ही हमेशा से धमकी देने वाले गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली और अमित शाह जी डायरेक्ट धमकी जो देने वाले हैं, वो उन्होंने धमकी दे ही दी है मैं सीधा कर दूंगा। क्या एनआरसी सीए की तरह कोई आंदोलन करेगी? उससे भी बड़ा करना पड़ेगा, या उससे भी बड़ी बात है, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये एसजीपीसी एक्ट है, क्रिश्चियंस के जो एंडाउमेंट्स हैं वो सब खतरे में, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा खतरा होगा इसमें। तो ये कानून कोई एक मुसलमानों के लिए थोड़ी बन रहा है, यही कानून रिपीट होगा फिर सबके लिए। एससी एसटी एक्ट तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया ना, तो ये जो बैकलॉग है रिजर्वेशन का वो बिल्कुल खा ही गए ना, हजम कर गए, ये बैकलॉग का काम ही करना चाहते हैं। ये एससी एसटी सब प्लान जैसे खा ही गए, जिसमें क्षमता है सब शेड्यूल कास्ट परिवारों को, सब शेड्यूल ट्राइब परिवारों को करोड़पति बनाने की, वो सब डकार गए ना, हजम कर गए, बैकलॉग की लाखों नौकरियां हजम कर गए। वो यही एक्ट है, वो जो 44 प्रपोजल आ रहे हैं, ये वक्फ की सारी ज़मीनें हड़पने का प्लान है, वो हम नहीं होने देंगे सभी कमज़ोर वर्गों के साथ। इसमें एक सवाल एक अहम है कि जो स्टेक होल्डर हैं, आरोप ये लग रहा है कि जो स्टेक होल्डर नहीं भी हैं उनको बुलाकर जेपीसी उनसे बात कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पहले जेपीसी को आता क्या है ये बताएं मुझे, जेपीसी में कौन एक्सपर्ट है पहले ये बताएं मुझे आप। कोई भी कानून बनता है तो वो जिस भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनता है उससे तो पहले प्रपोजल लिया जाता है। मुसलमानों से लिया प्रपोजल कौन गया? जो किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, मैंने नोट्स बना रखे उनके, मैं तो डिटेल में काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भाषण ही नहीं दे रहा हूँ आज की तरह बैठ के। तो किरण रिजिजू साहब ने क्या कहा कि हमने बुलाया किसे? हमने बुलाया सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, एमपी एमएलएस को। अब वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं पूरे देश में, तो वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराने में सबसे बड़ा हाथ ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलएस होते हैं उनका है, क्योंकि वो उसमें मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड में। तो अब चोर को बुला के ये पूछोगे कि चोरी रुकेगी कैसे? तो वो तो खुद ही किसी, उन्होंने इफेक्टेड लोगों से पूछा, बेवाओं से पूछा, यतीमों से पूछा, जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटियाँ हैं उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वक्फ बोर्ड आपका पैसा कैसे चुरा रहा है, कैसे दूर करना है, पूछा किसी से? हमसे पूछा नहीं, पूछेंगे ना किसी भी ऐसे आदमी से? वो पूछेंगे सिर्फ, आजकल क्या हो रहा है कि इंसाफ और फ़ायदा किसी का होना नहीं चाहिए, सिर्फ होता हुआ लगना चाहिए। मतलब फॉर्मेटिंग की जा रही है कि हमने बुला लिया, सब बैठे तो हैं, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें आ रही हैं। और मौलाना कल्बे जवाद का मैंने वो इंटरव्यू देखा था, देखिए जो प्रपोजल मेरा है और ये प्रपोजल, उन्होंने कहा ना कि वीडियोग्राफी कराओ ना, जो वीडियोग्राफी नहीं कराता वो चोरी करता है। हम भी तो पहले दिन से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी जेपीसी से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन जैसे हमने सीएनआरसी के टाइम में क्या कहा था कि भाई मैंने तब भी मना किया था, मैं किसी सरकार से कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है, वो एनआरसी लाना चाहती है, वो झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। बात करनी है तो शाहीन बाग में टीवी स्क्रीन लगेगी, उस तरफ अमित शाह साहब होंगे और उनके सारे लोग होंगे, इस तरफ हम होंगे, सबको पता लगे ना बातचीत क्या हो रही है। ये बातचीत तो नहीं हो रही कि मस्जिद नबवी में हमने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की है उसे रेगुलराइज कर दो और हमें मज़े उठाने दो उसके, आईटीओ की मस्जिद के। ये तो नहीं हो रही कि हमने ये बड़े बड़े जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हड़प रखी हैं उनको छोड़ दो, बाकी तुम्हें जो करना है करो, हमारे से क्या लेना है? ये तो बात नहीं हो रही कहीं। तो मौलाना कल्बे जवाद, क्योंकि ईमानदार और सच्चे आदमी, उन्होंने क्या कहा, वीडियोग्राफी करो। जो बात हम कब से कह रहे हैं, सीएनआरसी के टाइम से। भाई सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट भी एक जगह फंस गई ना, तो अब वो कह रहे हैं हम वीडियोग्राफी जो है वो नहीं करेंगे, बंद करेंगे, क्योंकि एक जज साहब पकड़े गए क्या क्या बातें करते हुए। तो अब जो बेईमान होगा वो इस बात को कहेगा कि मुझे बंद कमरे में बात करनी है, जो ईमानदार शरीफ होगा वो कहेगा मैं सबके सामने बात करूँगा। तो यही टेस्ट है, वही मौलाना ने इलाज क्या इन चोरों का डकैतों का जल जेल, मैंने बताया था 10 साल से लेके अब कोई, तो वो तो आपके अपने लोग हैं ना, उनको कैसे जेल? तो अपना नहीं होता कोई भी, अपना सही होता है या गलत होता है, ईमानदार होता है या बेईमान होता है, अपना नहीं होता, कर्म अपने या पराए होते हैं, अपना कोई नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वक्फ के मेंबर्स की, उन्होंने सबसे ज़्यादा चोरी की है, दूसरे लोगों ने हड़पी है तो कैसे, वक्फ के मेंबर्स के साथ मिलकर।